हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिक्स में स्प्रिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे एंड इट इज क्वेश्चन फ्रॉम एस सी वर्मा। फिगर शोज ए स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम एंड ऑफ एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्टार्ट्स स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन फ्रॉम अ पॉइंट 4.8 मीटर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर, stops momentarily and then rebounds through a distance of 1 meter up the incline. Find the first part is the friction coefficient between the plane and the block, and second part is the spring constant of the spring, and consider g is equal to 10 meter per second square. यहाँ पे इस problem में आपको ये given है कि एक block हमारे पास है, yet its position is a here, और इस block का mass आपको given है, this mass is 2 kg, इसका mass आपको 2 kg गिवन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से स्टार्टिंग में 4.8 मीटर अबव इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। जैसे हम इस ब्लॉक को फ्री करते हैं, ये ब्लॉक मूव करेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। इट इज गिवन टू यू, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, और उसके बाद फिर ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को रिकॉइल करता है। ये ब्लॉक 1 मीटर चलने के बाद इंक्लाइन पे रेस्ट पे आ जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये है फर्स्ट पार्ट में टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट पे है, मींस इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये ब्लॉक रेस्ट पे आ गया है, तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि रेस्ट पे है, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी ये भी जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी अगेन रेस्ट पे आ गया है। और हम जानते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वी नो वेरी वेल हियर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी हमारे पास E1 थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी E2 हो गई है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो टू फोर्सेस का वर्क डन मेजर है। एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि ब्लॉक ए से लेकर सी तक शिफ्ट हो गया, ग्रेविटी ने वर्क डन किया है। सेकेंड पॉइंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने यहाँ पे वर्क डन किया हुआ है, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ से लेकर के ए से लेकर के पहले कहाँ आया, बी तक पहुँचा, फिर बी से लेकर फिर सी तक पहुँचा है, तो फ्रिक्शन ने इसमें वर्क डन किया है। जो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर है वो यहाँ पर इंटरनल फोर्स है, और उस इंटरनल फोर्स का नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है और एक बार स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो वर्क डन आएगा स्प्रिंग फोर्स का वो जीरो हो जाए। वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय ग्रेविटी वी नो वेरी वेल MgH, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम अच्छी तरह जानते हैं इट इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड इट इज हियर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एफ इंटू एस विल बी इक्वल टू जीरो। जहां एस यहां पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन के लिए यूज होगा, क्योंकि एक बार बॉडी ए से लेके बी तक आएगी तब कितना डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा फिर बॉडी बी से लेके सी तक आएगी वो डिस्प्लेसमेंट हमें यूज करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक करते हैं तो इट बिकम हियर MgH इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से समझनी है, ये एच कितना होगा। अब इस प्रॉब्लम में हमें जो एच होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसमें वर्टिकल हाइट एच यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक ए से लेके इस पॉइंट सी तक आ गया है, शिफ्ट हो गया है, ए से लेके सी तक शिफ्ट हो गया है, ये मैंने शो कर दिया यहाँ से, ये इस तरह से ए से लेके सी तक पहुँच गया है। तो यहाँ पे वर्टिकली ये एच हाइट नीचे आ गया है, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हम यूज कर रहे हैं। अब ये एच आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ये समझ सकते हैं कि ब्लॉक को जब आपने ए से रिलीज किया था तो पहले ये कितना नीचे गया था, यहाँ तक गया था। जब आपने ब्लॉक ए को यहाँ से रिलीज किया तो पहले ब्लॉक यहाँ तक गया था, यानी 5 मीटर ये यहाँ तक पहुँच गया था, और उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये फिर 1 मीटर ऊपर आता है। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस बचेगी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये आपके पास 5 मीटर है, ये कंप्लीट 1, और उसके बाद 1 मीटर ये आ गया, तो ये डिस्टेंस आपके पास बचेगा इट विल बी 4 मीटर। तो यहाँ से आप एच को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इजिली आ जाएगा हमारे पास साइन 37 डिग्री, दिस एंगल इज 37 गिवन टू यू, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 4। साइन 37 हमें पता है इट इज हियर 3/5 इज इक्वल टू एच बाई 4। तो यहाँ से एच कैलकुलेट हो जाएगा और एच कम्स आउट टू बी
h will be equal to, and it is here 12 by 5 meter. तो यहां से आपने h को सॉल्व कर लिया 12 by 5. अब दूसरा, यू नीड दिस फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करता है सिस्टम के अंदर, दैट वी ऑल नो वेरी वेल, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो म्यू एम जी कॉस थीटा होता है. अब सिस्टम के अंदर हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दैट वी ऑल नो वेरी वेल, दिस एंगल इज थीटा, लेट इट बी. यहाँ पे ब्लॉक हमारे पास है, इस ब्लॉक का जो अपना वेट होगा इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी. और हम अच्छी तरह जानते हैं दिस एंगल इज थीटा, एंगल विल बिकम थीटा हियर, एंड इट इज हियर एम जी कॉस थीटा, दैट वी ऑल नो वेरी वेल. यहाँ जो कंपोनेंट आएगा इट विल बी एम जी साइन थीटा. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा. इट इज हियर एम जी साइन थीटा. अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये आप समझ सकते हैं. तो फ्रिक्शन वी नो वेरी वेल, फ्रिक्शन एफ विल बी इक्वल टू म्यू इन टू एन. एन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है. और आप यहाँ समझ सकते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू और एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा. अब यहाँ से जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट किया है, आपने एफ यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, आपने एच यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है, ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेंगे. इट इज हियर एम जी एच, एच यू गॉट इट हियर 12 बाई 5 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, यू गॉट इट हियर म्यू एम जी कॉस थीटा, थीटा इज 37 डिग्री इन टू टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो फ्रिक्शन का जो फोर्स लग रहा है, एक बार ब्लॉक नीचे की तरफ आया और फिर ब्लॉक ऊपर गया हुआ है, तो डाउनवर्ड कितना कवर किया था इसने 5 मीटर और अपवर्ड कितना कवर किया 1 मीटर. तो फ्रिक्शन दोनों केस में वर्क डन करेगा एंड देयरफॉर दिस डिस्टेंस विल बी 6 मीटर हियर. तो यहाँ से एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा. जी इज हियर, जी इज हियर, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 12 बाई 5 एंड इट कम्स आउट टू बी म्यू एंड कॉस 37 वी ऑल नो वेरी वेल इट इज 4 बाई 5. ये कॉस 37 की वैल्यू होती है इन टू 6 इज हियर. तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं इसको, 5 से 5 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 6 टू जो 12 और आपके पास आंसर आ जाएगा म्यू इंटू 4. इन दिस वे म्यू कम्स आउट टू बी 2 बाई 4 और आपका आंसर आ जाएगा 0.5. तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने सॉल्व कर दिया है, इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. लेट यू डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट में आपको ये निकालना है किसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है. तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्लॉक पोजीशन ए पर है और उस टाइम पे इस स्प्रिंग के फ्री एंड से लेकर के और इस ब्लॉक तक की जो डिस्टेंस है ये आपको प्रॉब्लम में मेंशन है, इट इज यर 4.8 मीटर. तो आप इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये ब्लॉक डाउनवर्ड आएगा और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, अब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है दिस ब्लॉक कम्स टू रेस्ट मोमेंटली, तो मोमेंटली ये रेस्ट पे आ गया, यहाँ पे रुक गया यहाँ पे. तो आपने इस बात को समझना है कि जो ब्लॉक है यहाँ से ए पोजीशन से लेकर के बी पोजीशन तक पहुँच गया है, तो इसको मैंने अपनी फैसिलिटी के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, इज द पोजीशन ए इज हियर. तो यहाँ पे आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि सिचुएशन में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें लॉस हुआ है. यहाँ पे आप अच्छी तरह देख रहे हैं इस बात को कि ये ब्लॉक यहाँ पे ये वर्टिकली एच हाइट पे नीचे आ गया है, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड आ गया एच. और आप जानते हैं ये एंगल कितना आपके पास 37 डिग्री आपके पास एंगल है और यहाँ पे ए से लेकर के और इस बी तक की जो पोजीशन है 4.8 मीटर, ये ऑलरेडी इनिशियल पोजीशन थी इसकी स्प्रिंग के फ्री एंड से और इसने स्प्रिंग को बाद में 0.2 मीटर कंप्रेस कर दिया है. इट मीन्स जो पूरी डिस्टेंस ये बन जाएगी हमारे पास ये बन जाएगा 5 मीटर. अब आप यहाँ पे इजिली इस एच को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एच यहाँ से आ जाएगा, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि साइन 37 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 5. साइन 37 दैट वी ऑल नो वेरी वेल इट इज 3 बाई 5 इज इक्वल टू एच बाई 5. तो इस सिचुएशन में एच कितना हो जाएगा, देयरफॉर एच कम्स आउट टू बी यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा 3 मीटर. तो ये आपने वर्टिकल हाइट को सॉल्व कर दिया है. अब इस प्रॉब्लम में आपने ये देखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इस ब्लॉक की वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हो रही है, नीचे आ रहा है. तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी लॉस्ट हो रही है हम अच्छी तरह जानते हैं एनर्जी नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो डेफिनेटली ये एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में यूज जाएगी. जो तो दूसरी फॉर्म रहेगी, एक तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई है और स्प्रिंग की एनर्जी दैट वी ऑल नो वेरी वेल हाफ के एक्स स्क्वायर वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड हो जाएगी, एज वेल एज ये ब्लॉक ए से स्लाइड होकर के इस बी तक पहुंचा है और इस प्रोसेस में फ्रिक्शन ने वर्क डन किया है.
ठीक, फ्रिक्शन यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस कर देगा, फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। इन दिस वे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक दैट यू नो वेरी वेल इट इज एम जी एच, इसमें जो एच होता है वो हमेशा हम बल्टिकल लेते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज दैट यू नो वेरी वेल इट इज हियर हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट करना है, इट बिकम हियर एम जी एच इज इक्वल टू फ्रिक्शन वी नो वेरी वेल म्यू एम जी कॉस थीटा, थीटा कितना मेरे पास है यहाँ पे 37 है, इंटू डिस्प्लेसमेंट एस इज हियर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। लेट यू पुट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, मास इज गिवन टू यू 2 kg, जी इज हियर 10, एच आपने सॉल्व कर दिया है 3, इज इक्वल टू म्यू आपने टू बी, ये जो आया था हमारा ये 0.5 आया था हमारे पास, एम आपको दे रखा है 2 kg, जी इज मेंशन टू यू 10, कॉस 37 दैट यू नो वेरी वेल 4/5, और यहाँ से हम चेक करते हैं दिस डिस्प्लेसमेंट इज 5 हियर, क्योंकि आप देख रहे हैं ब्लॉक ए से लेके कहाँ तक पहुँचा है, बी तक पहुँचा है, इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, एंड प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस के इज रिक्वायर्ड, ये तो हमें सॉल्व करना है, और एक्स आपको गिवन है 0.2 इट्स होल स्क्वायर। अब यहाँ चेक करेंगे इसको, या जगह आपका 3 × 6 = 60 बन जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, इट बिकम हियर 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 5 × 10 ये 1 हो जाएगा, अरे 40 आपके सामने ये बचेगा, एंड प्लस इट बिकम हियर 1/2 इंटू के एंड इट बिकम 0.04। अब यहाँ से ये दरअसल यहाँ पे ये आपके पास बचेगा 20 इज इक्वल टू 0.04/2 इंटू के, एंड दिस वे के कम्स आउट टू बी 20 × 2/0.04, इसको हम सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 1000 न्यूटन पर मीटर इज द आंसर।